टू कलरफुल थ्रेड एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडी जैकेट के डिजाइन बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है डायमंड पैटर्न पर मैंने इसे बनाया है और ये जो पूरी जैकेट बनी हुई है फ्रेंड्स ये फोर्टी चेस्ट के लिए बनी हुई है आगे मैं आपको इसका पूरा मेजरमेंट बताऊंगी कि कैसे इसका चेस्ट साइज कितना है और कैसे आपको इसको बड़ा या छोटा करना है उससे पहले मैं आपको ये पूरी जैकेट दिखा देती हूँ जैकेट कैसी है बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और आने वाले आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है जैकेट आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा कर, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जैकेट कैसी है पास से मैं आपको दिखा जैकेट का पूरा लुक जैकेट कुछ इस तरह से देखती है ये है इसके पूरे डिजाइन आगे से इस तरह से है और पीछे भी पूरी जैकेट सेम ही पैटर्न पे बनी हुई है आगे और पीछे पूरा एक साथ ही मैंने बनाया है बिना स्टिच के यहाँ कोई भी स्टिचिंग नहीं है और आप देख सकते हैं इसका आर्म होल और इसका जो नेक पार्ट है वो कितना ज्यादा परफेक्ट बना हुआ है बिल्कुल ही फिटिंग की इसकी आ, नेक बनी हुई है प्लस इसका आर्म होल भी काफी कटिंग है इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल पीस है आपको जरूर पसंद आएगा तो मैं तो कहूंगी एक पीस इसका जरूर बनाइएगा इस सीजन इस तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो आगे मैं बताऊंगी आपको कि भूल कितनी लगी है इसे बनाने में प्लस इसे मैं कितने नंबर की क्रोशा हुक से बनाऊंगी तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ कि साइज कितना है चेस्ट साइज देखिएगा यहाँ से मैं इसे मेजर करूंगी ट्वेंटी आ रहा है मीन्स फोर्टी चेस्ट वालों के लिए ये पूरी जैकेट बनी हुई है इतनी बड़ी जैकेट बनाने में मुझे इसमें टोटल साढ़े तीन सौ ग्राम ऊन लगी है अगर आप थर्टी सिक्स चेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं थर्टी फोर या थर्टी सिक्स तो आपका तीन सौ ग्राम ऊन में ही हो जाएगा इसमें जो क्रोशिया हुक मैंने यूज़ की है ये है थ्री पॉइंट फाइव एम की क्रोशिया हुक ये देखिए थ्री पॉइंट फाइव एम की क्रोशिया हुक है तो आप नौ नंबर की अगर मैं नंबर से बताऊं तो आप नौ नंबर की क्रोशिया हुक से बना सकते हैं अगर आप दस नंबर के क्रौा हुक से बनाते हैं तो आपको ऊन थोड़ी ज़्यादा लग सकती है यहाँ जो मैंने इसमें डिज़ाइन बनाई हुई है ये डिज़ाइन पूरी बारह के सॉरी पंद्रह के मल्टीपल में आ, आपको चेन बनानी होगी इसे बनाने के लिए फिफ्टीन के मल्टीपल्स में आप अगर चेन बनाते हैं और उसमें फिर हम मैंने बॉर्डर के लिए यहाँ पे देखिएगा छः फंदे ये इधर बॉर्डर पे बने हैं और छः डबल क्रोशिया इधर बॉर्डर पे बनी हुई है बाकी ये जो नीचे का पैटर्न बना हुआ है ये पंद्रह के मल्टीपल में है बारह ये बीच का है फिर एक इधर है एक इधर और एक फंदा ये जो बीच में डबल क्रॉस है तो ये पूरा पंद्रह के मल्टीपल में है पंद्रह फिर पंद्रह फिर पंद्रह तो मैंने पंद्रह का मल्टीपल इसमें बारह बार लिया है फिर उसमें मैंने टोटल तेरह चेन और ऐड की है जिसमें छः छः का बॉर्डर निकला है और एक लास्ट में आपको ऐड करना है अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको पंद्रह के मल्टीपल में चेन्स को बना के उसमें एक चेन और ऐड कर लेनी होगी तो यहाँ मैंने पंद्रह का मल्टीपल बारह बार लिया है अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो पंद्रह का मल्टीपल ग्यारह बार लें उससे छोटा बनाना चाहते हैं तो दस बार भी ले सकते हैं तो जितनी भी चेन बनानी है आपको पंद्रह के मल्टीपल्स में चेन बना के पहले आप उसे मेजरिंग टेप से मेज़र कर लें कितनी लंबी आपकी चेन बन के रेडी हुई है अगर आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग सही है तो आप उसे कंटिन्यू रखें और अगर चेस्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है छोटी या बड़ी है तो आप उसमें चेन्स को घटाया बढ़ा सकते हैं तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है यहाँ मैंने इसमें टोटल एक सौ बानवे चेन से इसे स्टार्ट किया है मैंने इसमें पंद्रह के मल्टीपल्स में चेन बना के इसमें टोटल तेरह और ऐड की हैं मैंने एक सौ तिरानवे वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री चेन बनाई है वन हंड्रेड नाइन्टी टू नहीं नाइन्टी थ्री होगी अगर बारह ऐड करेंगे तो फिर नाइन्टी टू होगी और अब लास्ट में इसमें दो चेन और ऐड कर लेंगे बाद में एक और दो एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया एक दो तीन स्टार्टिंग के तीन स्किप करेंगे और फोर्थ वन वाली से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट चेन में डालेंगे दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद डालेंगे तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जितनी भी आपने चेन बनाई है उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के हमें रेडी करना है तो यहाँ मैंने पूरे में डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली है और अब स्टार्टिंग करेंगे बॉर्डर से दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये दो चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशा है इसके ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे छह डबल क्रोशिया का बॉर्डर बनेगा एक दो पाँच और छ एक दो तीन चार पाँच डबल क्रोशिया हो गई एक चेन नीचे से एक स्किप करेंगे इसे नेक्स्ट वाली को छोड़ देंगे उसके बाद बनाएंगे टोटल बारह डबल क्रोशिया एक दो तीन दस ग्यारह बारह टोटल बारह डबल क्रोशिया हो गई फिर से एक चेन एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन एक स्किप करेंगे और अगेन यहाँ पे बारह डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे दो तीन तो फिर से बारह डबल क्रोशिया बना ली हाँ देखिएगा बारह डबल क्रोशिया फिर एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया अगेन एक स्किप करके बारह डबल क्रोशिया सेम प्रोसेस को फिर से करेंगे एक चेन बनाएंगे एक स्किप करेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन एक स्किप करेंगे और अगेन बारह डबल क्रोशिया सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड तक आना है पूरे में हमें इसी तरीके से बना के रेडी करना है वर्क के एंड में वैसे ही एक चेन बनाएंगे और लास्ट में एक स्किप करके टोटल छ डबल क्रोशिया बना लेनी है हमें बॉर्डर के लिए स्टार्टिंग और एंड में छः डबल क्रोशिया है बॉर्डर के लिए तो टोटल छः डबल क्रोशिया इसमें भी बना के रेडी करेंगे तीन चार पाँच छः तो मेरे में टोटल इसमें नाइन्टी वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री चेन है और ये वाला जो बारह डबल क्रोशिया का पैटर्न है ये मेरे में टोटल बारह बार बन के रेडी हुआ है आप जितनी मल्टीपल्स डालेंगे उसी के हिसाब से ये बन के रेडी होगा ये बारह बार जो डबल क्रोशिया बनी हुई है बारह बार बन के रेडी होगी अगर आपने भी वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री चेन्स डाली हैं तो अगेन दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनेगा तो इसे ऐसे ही बना लें एक दो पाँच और ये और अब देखिएगा स्टार्टिंग में जो हमारे पास ये जो चेन स्पेस है एक चेन का स्पेस इस है इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है एक दो और तीन एक चेन बनाएंगे एक और दो दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरी वाली से डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग की दो और लास्ट की दो हमें छोड़ देनी है बीच में टोटल हमें आठ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है एक दो तीन चार पाँच सात और आठ ये देखिए स्टार्टिंग में हमने जो स्टार्ट में किया था उसमें दो स्किप कर दी है लास्ट की एक और दो इन्हें भी हमें छोड़ देना है स्टार्टिंग और लास्ट में एक दो दो छोड़ देंगे और आठ बीच में बनाएंगे आठ बनाने के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक ब्लॉक एक डबल क्रोशिया एक ब्लॉक है तो फर्स्ट ब्लॉक में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बना लेनी है इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर और अगेन दूसरे ब्लॉक में दो बनाएंगे तो टोटल पांच डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के हमें रेडी करना है ओके okay, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच टोटल पांच डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली अगेन एक चेन एक और दो स्किप करेंगे और तीसरी वाली से फिर से आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो सात आठ ओके okay, जब आठ डबल क्रोशिया बनेगी तो लास्ट में सिर्फ आपके पास दो ही डबल क्रोशिया इसमें बची रह जाएगी फिर से यहाँ पे जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे आठ डबल क्रोशिया के बाद पहले एक चेन बनानी है और उसके बाद फिर से फर्स्ट ब्लॉक में दो एक और दो एक डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर और दो सेकंड ब्लॉक में बनाएंगे सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करते हुए एंड पर आ जाना है और यहां देखिएगा स्टार्टिंग में हमने सिर्फ तीन डबल क्रोशिया बनाई थी तो एंड में जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें भी तीन डबल क्रोशिया ही बनानी है सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और एंड पे आएंगे और पूरे में सेम पैटर्न को रिपीट करने के बाद एंड में फिर से आठ डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला आपका ब्लॉक है यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनानी है तो लास्ट ब्लॉक में तीन ही डबल क्रोशिया बनानी है इस चीज़ का याद ध्यान दीजिएगा अगर आप डबल क्रोशिया ज़्यादा बना देंगे तो फिर फंदे बढ़ जाएंगे और इसमें जो लास्ट में बॉर्डर है बॉर्डर को ऐसे ही बनाएंगे और नेक्स्ट रो के लिए भी पहले बॉर्डर बना के रेडी कर लेंगे इधर छः डबल क्रोशिया बनाएंगे पलट के फिर से छः बना लेंगे ओके तो थर्ड रो के लिए फिर से हमने छः डबल क्रोशिया बना ली है और अब छः डबल क्रोशिया के बाद एक चेन यहाँ पे देखिएगा ये आपको ब्लॉक साफ दिख रहे होंगे एक ये बन के रेडी हुआ है एक ये बन के रेडी हुआ है दो इधर बन के रेडी हुए हैं तो पूरे में इस तरीके से ब्लॉक्स बन के रेडी होते हैं ये नया ब्लॉक ये है एक ये है और एक ये है तो ये जो ब्लॉक बन के रेडी हुआ है इसमें हमें बनानी है पाँच डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच एक चेन बनाएंगे हर पांच डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनेगी फिर से दो स्किप करेंगे तो ये जो आपकी बारह डबल क्रोशिया है ये धीरे धीरे इसी तरह से कम होती जाएगी पहले बारह थी फिर आठ हुई अब इस रो में चार हो जाएगी एक दो स्किप करके नेक्स्ट वाली से बनाएंगे और टोटल चार डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे एक दो तीन और चार ओके तो देखिए दो इधर हमने स्किप की दो लास्ट में बच गई एक चेन बना के अगेन जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है इसमें भी पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच एक चेन इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाना है ओके अगेन नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे और पांच डबल क्रॉश है इसमें बनाएंगे एक तो ये डायमंड बन के रेडी हो रहा है पहले एक पांच एक चेन अगेन दो स्किप करके चार डबल क्रॉश है तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे एक दो तीन और चार ये देखिए चार डबल क्रोशिया के बाद पांच हमने यहाँ बनाई है डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट ब्लॉक में फिर से चार डबल क्रोशिया बनाई फिर यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे पांच पांच फिर से चार डबल क्रोशिया सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पर आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ इसमें भी पूरे में ऐसे ही बना लिया है और एंड पे सिर्फ एक बार बन के रेडी होगा क्योंकि एंड का स्टेप इस, इस तरीके से जा रहा है और जब लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे जो छः डबल क्रौशा है इसमें छः डबल क्रौशा ही बना के रेडी करेंगे तो स्टार्टिंग के एक दो तीन इसके ऊपर वर्क नहीं करना है इसके बाद से जो बॉर्डर वाली छः डबल क्रौशा है इसमें आपको बॉर्डर बना के रेडी करना है तो इस रो का बॉर्डर बना लेंगे और नेक्स्ट रो का बॉर्डर बनाते हुए आ, पीछे पलट के बॉर्डर बना के रेडी करेंगे ये देखिए एंड में अगेन नेक्स्ट रो के लिए ये जो फर्स्ट ब्लॉक रेडी हुआ है इसमें फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसके जस्ट बाद जो ब्लॉक रेडी होगा उसमें आपको तीन ही डबल क्रोशिया बनानी है बॉर्डर के जस्ट बाद अगर बनाना है जब भी बनाना होगा तो इसमें तीन ही बनेगी एक चेन एक यहाँ पे बना के रेडी करेंगे ओके एक ब्लॉक ये रेडी हुआ है तो एक बार पांच डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे एक दो पाँच देखिए एंड में एक दो तीन चार डबल क्रोशिया बची है हमारे पास तो इसमें दो दो डबल क्रोशिया को डिवाइड करेंगे और बीच से डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ओके फिर से एक चेन और जहाँ जहाँ ब्लॉक बन के रेडी हुआ है एक दो और तीन इन तीनों में पांच पांच डबल क्रोशिया बना लेनी है ये देखिए तीन बार हमने पांच पांच डबल क्रोशिया बना ली एक दो और तीन फिर से एक चेन बनाएंगे चार डबल क्रोशिया में से बीच वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे एक चेन और अब अगेन नेक्स्ट वन में एक दो तीन बार पांच पांच डबल क्रोशिया तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे एंड में यहाँ भी बॉर्डर के पास जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें तीन ही डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और तीन एक चेन सॉरी एंड में चेन नहीं बनाना है बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे तो इसका बॉर्डर बना लेंगे पलट के फिर से बॉर्डर बना लेंगे इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से बॉर्डर बना के रेडी करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये वाला जो हमारा बीच वाला सेक्शन है ये अब पूरा खत्म हो चुका है और सिर्फ एक बचा है तो अब इसे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और ये वाला जो डायमंड वाला पार्ट है एक दो तीन हो चुकी है अब इसे घटाएंगे अब इसमें दो बनाएंगे और फिर एक बनाएंगे तो दो रो में इसे कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे देखिएगा जो पहला ब्लॉक है इसमें पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच एक चेन और अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया बची रह गई है इसमें हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है चार थी फिर आठ थी फिर बारह थी तो वैसे ही इसमें फिर से कंटिन्यू करेंगे पहले चार बनाएंगे पहले ब्लॉक में दो बना लेंगे एक और दो और दो बनाएंगे दूसरे ब्लॉक में एक और दो तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा जब इसके ऊपर ये वाली जो बारह डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है जब इसके एक बनने के बाद जब इसमें बनाएंगे तो हमें सिर्फ चार बनानी है बट जब इस ये वाला डायमंड पैटर्न ख़त्म होगा तो इसका जब बीच में एक आ जाएगा उसके ऊपर जब आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें पांच बना के रेडी करेंगे चार बनाने के बाद एक चेन और अब यहाँ पे पहली और दूसरी दो ब्लॉक में हमें पांच पांच डबल क्रोशिया बनानी है चार पाँच एक चेन दूसरे वाले में भी पांच बनाएंगे एक पाँच ओके तो यहाँ पे तीन के बाद फिर से हमने दो ही बना ली है जैसे इसमें थी और अब एक चेन बना के अगेन यहाँ पे ये देखिए ये सिंगल डबल क्रोशिया वाला ब्लॉक है तो दो बनाएंगे इसमें एक और दो और दो बनाएंगे जस्ट उसके बगल वाले में चार बना के रेडी करनी है तो चार इसमें बना लेंगे सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे तो ये देखिए ये हमारा जो डायमंड है ये पहले एक था फिर दो हुआ फिर तीन हुआ यहाँ पे फिर से दो हो गया है इसके बाद एक बनाना है सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे ये तो पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है वैसे ही दो बार डायमंड और अब इसमें बॉर्डर बना के भी रेडी कर लिया नेक्स्ट राउंड के लिए नेक्स्ट रो के लिए स्टार्टिंग में सेम वैसे ही अगर इससे बॉर्डर से जुड़ा हुआ ब्लॉक रेडी हुआ है तो इसमें तीन ही बनानी है एक दो और तीन एक चेन बनाएंगे अब यहाँ पे देखिएगा चार डबल क्रोशिया हो गई हैं चार के बाद अब हमें आठ करनी है तो ये जो ब्लॉक पहला ब्लॉक है अब इसमें पाँच डबल क्रोशिया ना बना के जब इसे बढ़ाना होगा तो ये घटता जाएगा हमारा पाँच डबल क्रोशिया वाला पैटर्न तो अब इसमें बनाएंगे पहले दो डबल क्रोशिया एक दो जैसे दो स्किप करके हमने डिजाइन को घटाया था वैसे ही अब दो दो बढ़ाते जाएंगे एक दो तीन चार सबके ऊपर एक एक बना ली टोटल छः हो गई हैं और अब दो इधर बना लेंगे एक और दो ओके ये देखिए एक फिर चार फिर अब आठ हो गई और ये वाला जो पैटर्न है पांच डबल क्रोशिया वाला ये अब सिर्फ एक ही रह जाएगा तो ये जो बीच वाला ब्लॉक है ची इसी के ऊपर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार और पाँच एक चेन अगेन इसे हमें बढ़ाना है चार डबल क्रोशिया को तो पहले दो बनाएंगे फर्स्ट ब्लॉक में एक और दो फिर चार डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक दो तीन और चार और दो बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में तो टोटल आठ बन के इसमें रेडी हुई तो अब यहाँ पे एक हमारा डायमंड पैटर्न पूरा ख़त्म हो गया है और अब हमें ये देखिएगा डिज़ाइन जो है हमारी टोटल एक दो तीन चार पाँच छः छः रो में एक डिज़ाइन के रेडी होती है ये पूरी डिज़ाइन बन गई है अब हमें फिर से ये जो पहली रो है ऐसे ही स्टार्ट करना है जिसमें बारह डबल क्रोशिया बनी हुई है फिर बीच में एक डबल क्रोशिया है फिर बारह डबल क्रोशिया तो इस रो को पहले बना के रेडी कर लेते हैं और घूम के भी बॉर्डर बना लेते हैं फिर आगे बताती हूँ तो ये देखिए अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से हमें सेम ऐसे ही डिज़ाइन जैसे नीचे स्टार्ट की थी सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी करना है तो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के यहाँ पे देखिए आठ डबल क्रोशिया हो गई है तो अब इसे बारह करना है सिर्फ एक यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है तो इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और दो जो बीच में आठ बनी हुई हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और दो बना लेंगे लास्ट में एक और दो तो टोटल तो 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 यहाँ पे बारह बन के रेडी हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह जैसे नीचे स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट रो में सेम वैसे ही रो यहाँ पे बन के रेडी हो गई एक पहले ब्लॉक है तो देखिए ये ब्लॉक बन के रेडी हुआ फिर बारह डबल क्रौशा है तो बारह डबल क्रौशा बन के रेडी हुई अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और ये जो बीच वाला पैटर्न है पांच डबल क्रौचा है इसमें तो एक और दो स्किप करके जस्ट बीच वाली जो थर्ड नंबर की डबल क्रौा है इसमें क्रशा को डालेंगे और एक डबल क्रौशा यहाँ बना लेंगे फिर से एक डब चेन और नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है इससे बारह डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले वाले में दो बनाएंगे और फिर उसके बाद सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे तो यहाँ देखिए जैसे आपके नीचे फर्स्ट रो में था ये देखिए इस तरीके का दो ब्लॉक बने हुए थे बीच में एक डबल क्रोशिया तो सेम वैसे ही अब जस्ट इसी के ऊपर बीचों बीच, बीच यहाँ पे बन के रेडी हो गया और अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है सेम ऐसे ही रिपीट करना है तो फर्स्ट रो कैसे बनेगी ये मैंने बता दिया है अब इसी फर्स्ट रो के ऊपर आपको सेकेंड रो रिपीट करनी है फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फर्स्ट फिर फिर बना दी है फिर सेकंड बनानी है सेम ऐसे ही जैसे ही इसमें बनाई है फिर थर्ड भी ऐसे ही बनानी है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तो सेम इन्हीं रोज को अब आपको इसमें रिपीट करना है स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है जैसे मैंने बताई है और उसके बाद फिर पांच डबल क्रोशिया फिर दो बन बार फिर तीन बार फिर दो बार फिर एक बार बन के ख़त्म हो जाएगी फिर से उसे वापस रिपीट करेंगे और सेम ही पैटर्न ये भी यहाँ भी बन के रेडी होगा बारह डबल क्रोशिया बनेगी फिर आठ फिर चार फिर एक जब यहाँ बारह बन जाएगी जब आप दूसरा पैटर्न बनाएंगे दूसरी रो बनाएंगे तो अब इसमें सिर्फ आठ रह जाएगी तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए तब तक बना के रेडी करना है जब तक कि आपकी ये आम होल के बराबर मीन्स आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ना हो जाए मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और टोटल मैंने इसमें जो ये वाले डिज़ाइंस बनाई हैं ब्लॉक वाली वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स नंबर वाले में देखिए जो एक पैटर्न बनता है सबसे लास्ट वाला वहाँ तक मैं आ गई हूँ और यहीं पे हमें अपने आम होल को अलग करना है इसके बाद एक बीच में देखिए डबल क्रौचा बनती है यहाँ पे तो इस वाले पे नहीं इससे पहले जो पांच डबल क्रौचा सिर्फ एक पैटर्न बनता है वहाँ तक आपको बना के रेडी करना है टोटल मेरे पास इसमें ग्यारह इस तरीके के पैटर्न हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये इलेवन नंबर वाला है और आधा आधा पैटर्न एक साइड इधर बना हुआ है और एक साइड इधर बना हुआ है तो मैं आगे के पल्ले में टोटल ढाई पैटर्न रखूँगी तीसरे वाले को आम होल में निकालूंगी वैसे ही मैं आ, उस साइड भी करूँगी तो इसमें मार्कर लगा के मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसमें करना है तो बॉर्डर के बाद ये जो फुल पैटर्न बना हुआ है हाफ वाले को नहीं जो फुल पैटर्न बना हुआ है ये पहला पैटर्न है ये दूसरा पैटर्न है और ये है थर्ड वन जिसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये पूरा पांच डबल क्रॉचा वाला पैटर्न बना हुआ है इस साइड डबल क्रोशिया है जो पहले चार होती है फिर आठ फिर बारह हो जाती है तो यहाँ पे मेरे पास आठ डबल क्रोशिया इधर है और आठ डबल क्रोशिया इधर है फिर से देखिएगा पहला हो गया दूसरा हो गया ये जो थर्ड वन है ओके तीसरे वाले के इस साइड ये तीसरे वाले का बीच वाला पार्ट ये है इसके इस साइड जो हमारी आठ डबल क्रोशिया है इसमें जो बीच वाली एक दो तीन चार ये फिफ्थ नंबर वाली इधर से जो है इसमें आपको मार्कर लगा देना है ओके। इस पैटर्न के इधर जो वाली पे है, एक दो तीन चार फिफ्थ नंबर वाली पे मार्कर लगा दिया सेम को इधर करेंगे ये हमारा पैटर्न है बीच वाला इसके इधर भी आठ डबल क्रोशिया है तो अब इसके इधर भी सेम ही पैटर्न को करेंगे इधर से आ गिनेंगे एक दो तीन चार जो फिफ्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें मार्कर को लगा देंगे तो इतना ये जो पार्ट है फ्रेंड्स हमारा ये आम होल में निकलेगा एक साइड पे ओके ये पूरा हिस्सा आम होल में निकल जाएगा कंटिन्यू करना है हमें वर्क को इधर से और यहाँ से सेम ही चीज़ को हम इस साइड भी करेंगे दूसरे साइड भी एक और दो दो हमने इसमें निकाल देना है पास से दिखाती हूँ देखिए ये हमारा पहला पैटर्न है इसे निकाल देंगे और ये दूसरा पैटर्न है और ये है हमारा तीसरा पैटर्न ओके तो तीसरे पैटर्न के दोनों साइड पे हमें मार्कर को लगाना है तीसरे पैटर्न का बीच वाला हिस्सा है तो फ्रंट हमारा ये एजेस इधर है तो इधर से हमें गिनना है एक दो तीन चार पाँच ये फिफ्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया है तो इस फिफ्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया में एक मार्कर इधर लगाएंगे उसके बाद पैटर्न के इधर आ जाएंगे जिस साइड पूरा पोर्शन हमें बनाना है उस साइड से आपको डबल क्रॉशा गिननी है एक दो तीन चार पाँच ये फिफ्थ नंबर वाली इधर है तो इसमें लगा लेंगे ओके तो ये देखिए ये पूरा पार्ट हमारा आम होल में निकल जाएगा और अब इसे हमें कंटिन्यू कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इसमें गोल गला बनाऊंगी आम होल की जो लंबाई होगी वो लगभग आठ इंच के आसपास होगी तो पाँच इंच तक आपको ऐसे ही एज इट इज सीधा बनाते जाना है उसके बाद मैं इसमें गला घटाऊंगी बनाना कैसे है सेम ही डिज़ाइन को बनाना है यहाँ मैंने बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को बना लिया है और बॉर्डर बनाने के बाद एक चेन सेम डिज़ाइन जो भी बन रही है उसको बनाते हुए हमें एंड पे आ जाना है तो यहाँ पे अब हमें बारह डबल क्रोशिया करनी है तो इस वाले पे एक और दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे जितनी डबल क्रोशिया इधर बनी हुई है इन सब में एक एक बना लेंगे तो जैसे भी डिजाइन बनाते हैं सेम वैसे ही डिजाइन को बनाते हुए मार्कर तक आ जाना है डिज़ाइन को सेम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ जैसे बनाते हैं अभी तक वैसे ही बनाएंगे और इस वाले मार्कर पर जो पहला मार्कर है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पूरा बनाते हुए सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे मार्कर पे आने के बाद मार्कर पे भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे मार्कर को हटाएंगे और सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे तो जहाँ अब हमारे पहले पा, हमारे पास बारह डबल क्रॉशा होती थी बीच में इस राम में सिर्फ सात डबल क्रॉशा होंगी छः डबल क्रॉशा हमारे डिज़ाइन की है एक हमने एक्स्ट्रा ली है एज अ बॉर्डर तो यहीं से अब वर्क को टर्न कर देंगे मार्कर पर आ गए हैं मार्कर पर डबल क्रॉशा लगाने के बाद बनाने के बाद दो चेन और वर्क को यहीं पे टर्न कर देंगे अब इसमें इतना जो पोर्शन है इस वाले मार्कर तक आपको कोई वर्क नहीं करना है इस वाले मार्कर से जो दूसरा मार्कर है उससे लेके तीसरा वाला जो मार्कर है ये हमारा बैक का पार्ट होगा और फिर इधर वाला ये फ्रंट का पार्ट है सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे यहीं से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अब ये जो बारह डबल क्रोशिया वाले डिज़ाइन है जो दोनों साइड से बनती है इस साइड से भी बढ़ती है और इस साइड से भी बढ़ती है फिर इस साइड से भी घटती है और इस साइड से भी तो अब हमें सिर्फ एक साइड से ही घटाना है इधर वाला हिस्सा इसमें प्लेन ही रहेगा एक डबल क्रोशिया, दो तीन चार और पाँच बारह के बाद टोटल हमारे पास आठ डबल क्रोशिया हो जाती हैं। यहाँ देखिएगा बारह के बाद आठ डबल क्रोशिया होती है तो यहाँ हमने एक साइड में आधा हिस्सा इसका हटा दिया है और एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा रखी है तो अब हमारे पास देखिए आठ का आधा चार एक दो तीन चार और एक जो एक्स्ट्रा है ये पाँच टोटल पाँच डबल क्रोशिया बची हैं एक चेन और अब ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है इसमें अगेन सेम पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चार और पाँच फिर से एक चेन और अब यहाँ पे दो इसके इधर से करेंगे और टोटल आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन और आठ ये देखिए सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे पूरी रो को ओवर करते हुए एंड पर आएंगे फिर से दूसरी रो बनाएंगे और दूसरी रो बनाते हुए अगेन आ, आ इधर के साइड पे आ जाएंगे एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि इधर आपको कैसे करना है ओके तो यहाँ अगेन मैंने आप फिर से दूसरा वाला रो बनाते हुए आम होल के साइड पे हूँ पैटर्न को बना लिया है और पैटर्न को बनाने के बाद एक और दो स्किप करके यहाँ पे फिर से एक दो और तीन तीन ही बची है इन तीनों में एक एक डब्बा क्रोशिया बना लेंगे और अब लास्ट में दो चेन एक डबल क्रोशिया, सेम इसी पर बनाएंगे और दूसरी दो के बीच में यहाँ पे जब भी एक बनाते हैं तो दो डबल क्रोशिया के बीच में हम लोग बनाते हैं इस जगह पे देखिएगा चार होती हैं तो चार में दो को इधर रखते हैं दो को इधर बीच में एक बना लेते हैं तो वैसे ही इसमें दो से पहले बीच में यहां पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन और अगेन सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रोशिया पाँच बीच में बनाएंगे। तो बाकी का पैटर्न जैसे बनता है सेम वैसे ही बनाएंगे इसे तो टोटल पाँच से साढ़े पाँच इंच तक हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है उसके बाद इसमें गला घटाएंगे। गोल गला बनाना है तो ऐसे पहले जो इस साइड का ये आम होल देखिएगा बन के रेडी हो रहा है ओके सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इसमें टोटल पाँच से साढ़े पाँच इंच तक बना लेना है इस साइड का भी और सेम ही आपको इस साइड भी करना है दूसरे साइड भी यहाँ से बनाते हुए पूरा आएंगे मार्कर तक और जैसे मैंने इसमें डबल क्रोशिया से बताया है जिस तरीके से करना है वैसे ही इधर भी करना है दोनों साइड एक ही जैसे बनाते हुए पाँच से साढ़े पाँच इंच तक बना के रेडी मैंने आपको इसमें आगे के दोनों साइड का पल्ला बताया है कि आपको पाँच से साढ़े पाँच इंच बना के रेडी करना है टोटल मैं आठ इंच आपको बताऊंगी इसमें और आठ इंच मेरा इसमें देखिएगा तीन पैटर्न में होगा पूरा होगा ये एक पूरा बनेगा दूसरा और तीसरा ये जो डायमंड्स बीच में बने हुए हैं ये टोटल तीन डायमंड्स पूरे होंगे तब वो आठ इंच के आसपास मेरा पूरा बन के रेडी हो रहा है तो उतना ही आपको पीछे भी बना के रेडी कर लेना है यहाँ से मैंने देखे ये वाला आपको बता दिया है एक साइड का कि कैसे इसमें घटाना था आम होल को अलग करना था ये पूरे हिस्से में हमें कुछ नहीं बनाना है और इसका ये जो दूसरा वाला मार्कर है यहाँ पे हमें फंदे को ऐड करना है अपने धागे को इस जगह पे हमें पीछे के लिए ऐड करना है बैक के लिए और यहीं से अब हमें बैक वाला भी बना के रेडी कर लेना है तो जितना आगे का पोर्शन बनेगा उतना ही पीछे का बनेगा इस जगह पर धागे को ऐड करेंगे बनाना सेम वैसे ही है जैसे आपने आगे का बनाया है बाकी पूरा डिज़ाइन बनाई है सिर्फ उसे ही कंटिन्यू करना है ये पूरी जैकेट मैंने एक साथ बनाई है इसलिए इस तरह से घटता है अगर आप अलग अलग बनाते हैं तो उसमें डिज़ाइन सेम ही रहती है वैसे भी सिर्फ किनारे से आम होल को घटा देते हैं सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे इसमें यहाँ पे देखिएगा एक साइड एक दो तीन चार ये पांचवे वाले में मैंने ऐड किया है जहाँ पे धागे को ऐड किया है उसी स्पेस से फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये मैंने जैसे इधर एक्स्ट्रा आपको बताई है बनाने के लिए इस साइड में मैंने एक्स्ट्रा बताई थी कि, कि एक, एक एक्स्ट्रा बनाते चलना है इसमें तो ये, आ, ये पीछे के साइड में भी हमें एक एक्स्ट्रा बनाते चलना है ताकि किनारे के बॉर्डर के लिए हमें प्रॉब्लम ना हो बाकी सब में एक दो तीन चार पाँच और ओके? टोटल डबल क्रोशिया बन गए एक चेन बनाएंगे और बाकी यहाँ पे एक दो के बाद ये तीसरे वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है तो डिज़ाइन जिस तरीके से आपके कंटिन्यू है उसी तरीके से डिज़ाइन आप अपनी कंटिन्यू रखें जो भी रो आपकी चल रही है उस रो के अकॉर्डिंगली आपको इसमें कंटिन्यू रखना है और यहाँ से देखिए ये अब मेरा इतना पार्ट आम होल के लिए अलग होगा ये इस तरह से यहाँ से हमें कंटिन्यू रखते हुए पूरे डिज़ाइन को सेम ही तरीके से बनाते हुए जो ये वाला मार्कर लगाया है हमने यहाँ पे आ जाना है चार मार्कर लगाए थे टोटल पीछे के लिए हमने दो मार्कर लगाए थे तो इस वाले स्पेस पे आ जाएंगे तो ये देखिए पूरा पीछे के साइड पे बनाते हुए मैं दूसरे वाले मार्कर पे आ गई हूँ और अब इसका भी ये जो डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है ये आधा ही बनाना है पूरा पैटर्न नहीं बनाएंगे पूरा पैटर्न अगर आप बनाएंगे तो आम होल कवर नहीं हो पाएगा तो इसलिए इसको भी हमें आधा ही बनाना है एक चेन के स्पेस पर दो बनाएंगे तीन चार पाँच छः तो टोटल बारह बनाते हैं ये डबल क्रोशिया जो बिल्कुल आ, बीच वाला पार्ट इसका जो होता है यहाँ पे मैं देखिएगा फिर से आपको बता दूँ यहाँ पे टोटल बारह डबल क्रोशिया होती हैं तो छः छः हम आ, हाफ हाफ कर सकते हैं तो छः एक साइड और छः एक साइड रखते हैं इसीलिए इस डिज़ाइन को मैंने हाफ करते समय टोटल सिर्फ छः डबल क्रोशिया ही रखी हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक एक्स्ट्रा रखी है ताकि हमारा बॉर्डर ठीक से बन सके तो अब इसके बाद एक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बना ली ओके okay, तो अब हमारा पीछे वाला हिस्सा भी पूरा अलग हो गया है एक साइड से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ से बताया कि यहाँ से अलग करना है जहाँ पे मार्कर लगा था तो ये देखिए अब ये वाली रो साफ दिख रही है अलग से इसे पूरा बनाते हुए एंड पे आ गए हैं यहाँ पे भी हमने बना लिया है और अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे दो चेन बनाएंगे बनाना सेम वैसे ही है जैसे डिजाइन बन रही है बॉर्डर सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आगे के साइड में आपको बताया है ओके okay, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे अब बारह डबल क्रोशिया जब पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद अब हम दो दो डबल क्रोशिया घटा घटाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अब हमें टोटल आठ डबल क्रोशिया बनानी होती है तो मेरे में यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनेंगी हाफ ही बनानी है आधा ही पार्ट बनाना है इधर वाला पार्ट नहीं बनाना है तो चार एक दो तीन चार बन गई और एक एक्स्ट्रा हो गई पाँच एक चेन और अब यहाँ से न्यू डायमंड पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो टोटल तीन पैटर्न मेरा पूरा बना है फ्रेंड्स आम होल को कंप्लीट करने में आप भी अगर तीन पैटर्न पूरा बनाएंगे तो फिर आपका आम होल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दो पैटर्न के बाद मैं गला घटाऊंगी इसमें मैं अभी आपको दिखा देती हूँ तो आगे का एक हिस्सा मैंने पूरा बना रखा है एक साइड का तो यहाँ से देखिए आर्म होल को मैंने घटाया है एक पूरा पैटर्न बना है यहाँ इस वाले पार्ट से अगर मैं आपको बताऊँ एक पूरा डायमंड बना है ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा दो के बाद जब मैंने दो बना लिए हैं तो तीसरे से मैंने जब स्टार्टिंग की है तो तीसरे से मैंने गले को घटाया है गला कैसे घटाना है ये आपको इसके पार्ट टू में बताऊंगी कि गला इसका कैसे घटेगा प्लस इसके गले का बॉर्डर कैसे बनेगा और आम होल का बॉर्डर कैसे बनेगा ये सब आपको पार्ट टू में मिल जाएगा अभी के लिए आपको सिर्फ आगे के दोनों साइड के पल्लों में दो दो डायमंड के हिस्से पूरे बना के रेडी करने हैं दो डायमंड का मतलब है कि जो लास्ट में आपका फुल पैटर्न पैटर्न ये पांच डबल क्रोशिया वाला वाला सिंगल वाला बनेगा एक पैटर्न जहां रह जाता है वहां तक आपको बना के रेडी करना है उसके बाद वाली रो से हमें गले को घटाना है ओके आगे के दोनों साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आपको इतना ही बना के कंप्लीट कर लेना है और पीछे वाला जो बैक वाला पार्ट है उसमें आपको तीनों पार्ट पूरे का तीनों डायमंड बना लेने हैं जैसे एक ये पूरा बना लिया दूसरा बना लिया और तीसरा बना लिया तीनों पूरे बना लेने हैं तीन बनाने में आपकी जो रोज़ होंगी वो होंगी टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन टोटल सत्रह रोज़ आपको बना के इसमें पूरे में रेडी करनी है तो आज के लिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी मैं मिलूँगी आपसे इसी के पार्ट टू में पीछे का पार्ट मैं पूरा बना लूँगी आगे के पार्ट में मैंने आपको इसमें गला घटाना बताना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय थैंक यू एंड हैव नाइस डे